रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू रेडियो हिंदुस्तान से। रेडियो कहानी में हम आज आपके लिए कहानी लेकर आए हैं आशीष। लाल लाल सेब देख अनु ने स्कूटी ढकेल पर रोक दी। भैया सेब कैसे दिए? सेब वाले ने कहा, 120 रुपया किलो, एक दाम है। कितना कर दे दीदी? 2 किलो दे दो, ये कहकर अनु सेब छाटने लगी। ढकेल पर कई ग्राहक पहले से खड़े थे, सभी को जल्दी थी। अभी आई इस लड़की को सेब पहले दे दे, ये किसी को गवारा नहीं था। जल्दी अनु को भी थी, उसकी कोचिंग का टाइम हुआ जा रहा था। भैया जल्दी पैसे वापस करो, मुझे देर हो रही है। हाँ दीदी, बस दे रहा हूँ, कहते हुए वह पास खड़ी वृद्धा पर जोर से चिल्लाने लगा, अम्मा इन दीदी को पैसे काहे नहीं दे रही? वो इतना देर से मांग रही, तू एको काम ठीक से ना कर सकत? वृद्धा कुछ गिड़गिड़ाती हुई सहमती हुई सी बोली, ए बिटवा, देख रहे हैं खुला पैसा नहीं है तो हम कहाँ से देब? का करे तोहार हम, कोनो काम की नहीं। वह अभी भी चिल्लाए जा रहा था। अनु को बहुत गुस्सा आया उस पर, बोली, कोई अपनी माँ पर ऐसे चिल्लाता है क्या? तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझे नहीं लेने तुमसे सेब, मेरे पैसे वापस करो। ग्राहक जल्दी मचा रहे थे, तभी बराबर में ही खड़ी दूसरी ढकेल वाला बोला, ए अम्मा कितना पैसा चाहिए? 50 रुपया। ए ले, दे दे मैडम को, कह नोट वृद्धा के हाथ में थमा दिया उसने। नहीं, मुझे ऐसे जाहिल आदमी से सौदा लेना ही नहीं है। पैसे वापस ले स्कूटी स्टार्ट की ही थी कि देखा बराबर वाली ठेल पर भी ठीक ठाक सेब थे, पर ग्राहक नदारद। ये कैसी विषमता थी, 2 किलो सेब तुलवा कर पैसे दे पूछ ही बैठी ठेले वाले से, भैया सेब तो तुम्हारे भी ठीक है, तुम बोली के भी अच्छे हो, फिर तुम्हारे पास ग्राहक क्यों नहीं आते? बड़ा आश्चर्य है। उसने बड़ी हसरत भरी नज़र से वृद्धा को निहारा और बोला, मैडम मेरे पास माँ नहीं है ना? जी हाँ, उस सेब वाले ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, क्योंकि जहाँ माँ है वहीं ईश्वर है और वहीं स्वर्ग है, और जो इंसान अपने माँ का सम्मान करना नहीं जानता है उसका अपना खुद का सम्मान कभी नहीं हो सकता, और उसे दुनिया से भी तिरस्कार ही झेलना पड़ता है। ये कहानी है वर्षा अग्रवाल जी, यानी कि वर्षा अग्रवाल काजल। तो हम आपके लिए ऐसी ही सुंदर कहानियाँ लेकर आते रहेंगे रेडियो हिंदुस्तान में। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।